मौजूदा समय में साइबर क्राइम की घटनाएं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। साइबर जालसाज भी आम लोगों से ठगी के लिए आए दिन नए नए तरीके अपना रहे हैं। लोगों को ठगी से बचाने के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाना के तरफ से विशेष पहल की गई है, जिसके तहत स्कूली छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मंगलवार को इनर व्हील क्लब के सहयोग से आसनसोल साइबर क्राइम थाना के तरफ से रानीगंज के सियारसोल राज हिंदी गर्ल्स स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां साइबर क्राइम थाना के अधिकारियों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से स्कूल की छात्राओं को जागरूक करने का प्रयास किया। साइबर क्राइम से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, इसके बारे में छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी गई। साइबर क्राइम थाने के अधिकारियों ने छात्राओं को बताया कि किस तरह से साइबर जालसाज अब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय उन्हें और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। এবারে এই বাচ্চারাই তো কালকে ফিউচার, যদি এরা ভালো করে বুঝতে পারে শিখতে পারে তাহলে কিভাবে এরা নিজের মা বাবাকে শেখাতে পারবে, এরা নিজের সারাউন্ডিংয়ে সবাইকে শেখাতে পারবে, ফ্রেন্ডস বাকি ফ্যামিলি যারা আছে, তাহলে এদের মাধ্যমে আমরা বেসিক্যালি সবাইকেই এডুকেট করবো। এরকম ইনিশিয়েট আমরা নিতেই থাকি, মাঝে মধ্যে আমরা চেষ্টা করি যত লোক রকমভাবে পাবলিককে একটু অ্যাওয়ার করা যায় সাইবার ফ্রড, সোশ্যাল মিডিয়ার স্ক্যামস এইসব ব্যাপারে। এরা তো ছোটো ছোটো বাচ্চা, এরা তো এখন ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এইটাই তো এজ, এই সময় চ্যাটিং করা বা কিছু বা সবার সাথে কথা বলে, এবারে যাতে এরা কোনো ফ্রেন্ডি না করে দেয় সেই সব জিনিসগুলো প্রিকশনারি মেজার্স হিসাবে আমরা আজকে। साइबर क्राइम थाना के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इनर व्हील क्लब के तरफ से उन्हें इस स्कूल में साइबर क्राइम के प्रति छात्राओं को जागरूक करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मौजूदा समय में साइबर ठगी की घटनाएं चिंता का कारण बन गई है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी के निर्देश पर बारी बारी से सभी स्कूलों में ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। আমাদের সিপি স্যারের নির্দেশ আছে সমস্ত স্কুলগুলোতে গিয়ে আমার সাইবার সংক্রান্ত যে সমস্ত ফ্রড হচ্ছে, যেমন মানিটারি ফ্রড এবং সোশ্যাল মিডিয়া রিলেটেড ফ্রড, মানে কীভাবে মানুষ পয়সা যে চলে যাচ্ছে মানুষের অ্যাকাউন্ট থেকে সেগুলো কীভাবে আটকাতে পারবে, কী কী সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে, তো সেই জন্য আমরা সেই ধরনের সচেতনতা শিবির এটা বেসিক্যালি, এবং আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতেও কী কীভাবে আমরা নিজেদেরকে মেনটেন করবো, নিজেদের প্রাইভেসি কীভাবে মেনটেন করবো, পাসওয়ার্ড কীভাবে সুরক্ষিত করবো সেই সংক্রান্ত একটা সচেতনতা শিবির। স্কুল বেসিক্যালি ছাত্ররা ভবিষ্যৎ, ছাত্ররা যেমন নিজে শিখবে নিজের বাবা মাকেও শেখাতে পারবে, এরপর আমরা ম্যাক্সিমাম দেখেছি যে ম্যাক্সিমাম পিপলকে রিচ করতে পারবো স্কুলের থ্রু দিয়ে, কারণ একটা ছাত্র যদি গিয়ে তার ফ্যামিলিতে বলে আমরা তাদেরকে বেসিক্যালি কিছু খুব সহজ ভাষায় কিছু বলে দিচ্ছি যাতে তারা তাদের ফ্যামিলিতে বলতে পারবে এবং সেটা এইভাবে রেসিপ্রোকেট করে, তো ওই জন্য আমরা স্কুলগুলোকে বেসিক্যালি টার্গেট করছি ম্যাক্সিমাম লোককে রিচ করার জন্য। वहीं इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष जया सोनथालिया ने बताया कि मौजूदा समय में साइबर क्राइम बड़ी चुनौती बन गई है। हमें यह समझना होगा कि मोबाइल कंप्यूटर और लैपटॉप पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है। के बारे में जो अभी बहुत बड़ा चुनौती है हम लोगों के लिए और हम लोग सबको मिलकर एक साथ ये समझना होगा कि इसके कारण कंप्यूटर, ये इंटरनेट, फेसबुक, इसके कारण हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। बहुत सारा लोग OTP मांगते हैं, हम लोग फट से दे देते हैं, तो वो हमें नहीं देना है। कोई भी साइट में जाकर हम लोग तुरंत रजिस्टर कर ले, हम वो सब नहीं करना है, क्योंकि तो छोटी छोटी बच्चियों को जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे कंप्यूटर यूज़ करना है, कैसे इंटरनेट यूज़ करना है, तो हम उसी के लिए एक अवेयरनेस साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट से लोग आए हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं, जो इनके लिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब की सचिव अनुराधा झुंझुनवाला, उपाध्यक्ष नेहा अंबानी, अनीसा भुवालका, शालिनी चौधरी और अलका खानुजा भी उपस्थित थी। विप्लव बादकर की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। किछु परंपरा आर शेखा मायर थेके चले आसे मेयर काछे, ठीक जेरकम हनुमानता चाकी फ्रेश आटा, ठीक जेनो मायर भालोबासा, जेमन शुद्धता तेमन स्वाद।